एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल रंजीत सिंह्स किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। ये आप बड़े हो या बच्चे हो, उनको बनाकर खिला सकते हो। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। ये गूंदा हुआ आटा है, जैसे हम डेली रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। तो यहाँ पे हम इस आटे से, जैसे हम अपने घर में बाती बनाते हैं ना, उस टाइप से हम इसको शेप दे देंगे। आपने मेरी वीडियो में देख लिया है इस तरह से। फिर हम एक प्लेट में सूखा आटा डाल देंगे। सूखा आटा डालने से क्या होता है, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक एक करके इस तरह से बना के रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ये बना दिए हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा और डाल दिया है, जिससे ये अच्छे से सूख भी जाएंगे और ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख चुके हैं, और सूखा आटा डालने से तो ये बहुत ही अच्छे से अलग अलग भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको गरम पानी में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पतीले में पहले से गरम पानी कर दिया है और ऊपर से मैंने नमक डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये आटे से बने हुए जो हमने पास्ता बना रखे हैं, इनको डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारा पास्ता डाल दिया है और अब इनको बीच बीच में चलाते रहेंगे, और इनको 10 से 15 मिनट तक हमने पकाना है, क्योंकि इनको पकने में बहुत टाइम लगता है। तो 10 से 15 मिनट बाद ये अपने आप ही इस तरह से ऊपर आ जाते हैं पानी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये हमारे यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं। इनको एक बार फिर से बीच बीच में चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ये सारे जो पास्ता हैं, ये अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और यहाँ पे सारे जो पास्ता हैं वो एक प्लेट में हम निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ सारे पास्ता निकाल दिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हम यहाँ गरम होने देंगे। तेल हमारा यहाँ गरम हो चुका है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज आप अपने हिसाब से चाहे लंबे में काट सकते हैं, चाहे बारीक काट सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से बड़े बड़े में काटे हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने बड़े में काटा है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गाजर। गाजर डालने के बाद डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च भी मैंने लंबे में काटी है। 3 से 4 मिनट तक हम इन्हें भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब 3 से 4 मिनट हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ सिरका। सिरका यहाँ पे ऑप्शनल है। सिरका डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ आम। ये आम खट्टा मीठा आम है। ये ना तो ज़्यादा मीठा है ना ज़्यादा खट्टा है। तो अब इसको भी यहाँ पे इनके साथ मिक्स कर देंगे। इसको हमने ऐसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस नॉर्मली थोड़ी देर के लिए सब्जी के साथ इसे चलाना है। आम डालने से ये जो आम का फ्लेवर है जो पास्ता में आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा। आप एक बार जब ये वाला पास्ता बनाएं, तो इसमें कद्दूकस करके आम ज़रूर डालें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पास्ता, जो हमने ये आटा के पास्ता बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पास्ता डाल दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक। ये मैंने यहाँ पे बड़ा चम्मच नमक नहीं डाला है, एक छोटा चम्मच नमक डाला है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच मैजिक मसाला। मैजिक मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डालें। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमेटो केचप।
आप अगर टमेटो केचप नहीं अच्छा लगता है, आपको नहीं डालना चाहते हो, तो आप इसकी जगह चिली सॉस भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। अब इसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर ही इसको रखना है। तो लास्ट में डाल रही हूँ मैं यहाँ कटी हुई धनिया पत्ती। तो हमारे गेहूं के आटे से बनने वाला टेस्टी और हेल्दी पास्ता बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा भी है। आप इसे अपने बच्चों के लिए झटपट बना सकते हो, और जब भी आपके बच्चे मैगी के लिए जिद कर रहे हो, आप उन्हें डेली डेली मैगी नहीं देना चाहते हो, तो आप इस तरह से फटाफट ये वाला पास्ता बनाएं। लेकिन जब आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, तब उसमें आप चिली ना डालें, बिना चिली के ही उनके लिए बनाएं। जब आप अपने लिए बना रहे हो, बड़ों के लिए बना रहे हो, तो आप उसमें खूब चटपटा फ्लेवर उसमें डाल सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, और साथ ही साथ मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।